एनएसयूआई का राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाएगा। यह पहला मौका है जब प्रदेश में एनएसयूआई का अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। 8 से 10 मार्च तक भिलाई में चलने वाले इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के कई बड़े नेता शामिल होंगे। एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी राजीव पटनायक इसी सिलसिले में रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राष्ट्रीय अधिवेशन की जानकारी दी। राजीव पटनायक ने बताया कि भिलाई में आयोजित होने वाले इस आयोजन में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुचि गुप्ता शामिल होंगी। मार्च 8, 9 और 10 तारीख को 3 दिन के लिए हम लोग एनएसयूआई के राष्ट्रीय अधिवेशन भिलाई में कर रहे हैं, जिसमें कि पूरे देश भर से सारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसमें शामिल रहेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय इंचार्ज भी उसमें रहेंगे। उस 3 दिन का अधिवेशन के लिए हम लोग हमारे जो कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी हैं, उनको भी इन्विटेशन भेजे हैं, उनका आने का भी उसमें चांस है। और देश के जो सीनियर लीडरशिप है, अशोक गहलोत साहब हो गए, अजय माकन जी हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो गए, इन सबको हम इन्विटेशन भेजे हैं। बहुत सारे नेता और हमारे जो छत्तीसगढ़ स्टेट के पीसीसी प्रेसिडेंट है, सीएलपी लीडर है, इन लोगों को भी हम लोग मतलब इन्विटेशन भेजे हैं। भिलाई के हमारे जो साथी हैं, मतलब मेयर भी हैं एनएसयूआई के पहले और रह चुके हैं, उनको भी इन्विटेशन भेजे हैं। और हमारा ये मकसद है, ये 3 दिन का अधिवेशन जो होगा, आगे छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होगा उसमें परिवर्तन के लिए इस 3 दिन का अधिवेशन का नाम हम लोग रखे हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव एनएसयूआई परिवर्तन के नाम से रखे हैं। और हमें पूरा भरोसा है आगे छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होगा उसमें एनएसयूआई का हिस्सा बहुत बढ़िया रहेगा और एनएसयूआई आगे ये पूरे इलेक्शन में बहुत अच्छे से फाइट करेगा और छत्तीसगढ़ में एक परिवर्तन लाएगा। और जो एनएसयूआई का जो मेन मकसद रहेगा, ये जो बीजेपी सरकार हमेशा छात्र विरोधी और युवा विरोधी काम करता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का मेन काम रहेगा एनएसयूआई का, और आगे छत्तीसगढ़ में एक बहुत बढ़िया परिवर्तन होगा। देखिए, आगे छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव है, मतलब और पूरे छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई का जो विंग्स है कांग्रेस पार्टी का, वो बहुत मजबूत काम मतलब मजबूत है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग एनएसयूआई का कार्यकर्ता है, उनके मतलब अंदर एक बहुत अच्छा मोटिवेशन लाने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय इंचार्ज जी हैं, उनके तरफ से एक प्रपोजल आया और हमारे तरफ से भी एक प्रपोजल गया था कि छत्तीसगढ़ में हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेना चाहते हैं, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ में ये अधिवेशन किया जा रहा है ताकि आगे छत्तीसगढ़ में एक जो हमारे कांग्रेस पार्टी एक अच्छा रिजल्ट कर सके और एनएसयूआई इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्लिबर 28, रायपुर। फॉर मोर न्यूज अपडेट्स डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट क्लिबर 28।